What's up everybody, welcome back to my YouTube channel Sameer Vlogs and अजदे समाचार कुछ इस प्रकार है कि अब मतलब अपन ट्राई करेंगे ये हर वीडियो में आता लेकिन फिर भी इस बार अपन ट्राई करेंगे अपन जल्द से जल्द वीडियोज़ बनाते रहें मतलब कुछ ना कुछ कंटेंट डालते रहेंगे अब अपन थोड़ा कैजुअल बेसिस पर, ठीक है, ताकि आप लोग और हमें ये ना लगे कि बहुत टाइम बाद ब्लॉग आ रहा है। ठीक है, तो आज का ब्लॉग ये है कि ये आप उन लोगों के लिए भी कह सकते हैं कि जो लोग कार में इंटरेस्टेड है, जो लोग जानना चाहते हैं कि कार की क्या प्राइसेस है और कार कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी ईयर की लेनी चाहिए, क्या भाई इतनी पुरानी लेंगे तो चलेगी, इतने किलोमीटर चली भी लेंगे तो चलेगी, तो आज वो सारे सवालों का हम भरपूर जवाब देंगे क्योंकि आज हमारे पास एक नई गाड़ी आई है। नई गाड़ी तो नहीं, बहुत पुरानी गाड़ी आई है कि आज टुडे आई एम ड्राइविंग अ 1950s टोयोटा कैमरी। ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। अपन 1950 की कैमरी चला रहे हैं, मतलब आप देख लो, अब 2020 है और वो 1950 की है, मतलब कितना टाइम पीरियड आ गया और अभी तक गाड़ी चल रही है एकदम बढ़िया, एकदम भागती भी चल रही है। मतलब अगर आप इसको ऑल्टो से भी रेस लाओगे तो अपनी कैमरी जीत जाएगी, इतना मेरा वादा है। ठीक है, तो अपन पूरा आज बताएंगे इसमें ये कितनी चली हुई है, कितने की है और क्या। अच्छा, सब चीज़ें हटाओ, फटाफट अपन कार की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल तो खड़ी भी मैं दिखा देता हूँ, फिर अपन एक छोटी सी ड्राइव पे चलते हैं कार को लेके और देख के आते हैं क्या सीन है, कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है ना। वैसे उठ के बस सीधा शर्ट डालिए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। एंड मेक श्योर अगर आप चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब है। तो ये अपनी कैमरी जो आपको दिख रही है, ये है अपन, बढ़िया लग रही पिक्चर से। और सबसे औसम चीज़ जो भाई का जो एंटीना दे रखा है, आप देख रहे हो, ओहो ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। और ये अभी अपन ने दरवाज़ा खोला हुआ है, अंदर से बाद में दिखाएंगे आपको। ये है 1950s टोयोटा कैमरी, लिखा हुआ है यहाँ पे टोयोटा कैमरी, ठीक है। और ये साइड से कुछ ऐसे दिख रही है, नो अलॉयज, और ये तो अपनी प्यारी गड्डी खड़ी है। और आगे से कुछ ये ऐसी सी है, ठीक है, आई होप तो कि इतनी अच्छी लुक्स में नहीं है, क्रीम कलर की है। अब मूव ऑन होते हैं अपन अंदर की तरफ, अपने पास की प्यारी सी चाबी है। और आती ही पहली चीज़ जो मैंने कोशिश करी थी कि इसमें रिमोट था, मैं सोचा था कि रिमोट से दबाएंगे अनलॉक हो जाएगा, अपन ने गेट खोला तो अपना हो गया फुद्दू, कट गया क्योंकि चाबी से खुल रही, क्योंकि इतनी पुरानी तो रिमोट हो चुका है ख़राब। तो मूव ऑन करते हैं गाड़ी की अंदर। तो ये मेरी दोस्त की गाड़ी है, तो जज ना करें कि साफ़ सफाई में क्या है क्या नहीं है। तो अंदर से कुछ ऐसी सी है, पुराना सा स्टेयरिंग है, अरे रे ये चाबी डालने में सही होगा। मीटर लुक्स लाइक दिस। और आप ये देखो कि 1950s की अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो भी आपको इतनी वेल्ड सेटल्ड और इतनी बढ़िया मिल रही है इंटीरियर में, और आज की तारीख में ऐसे मिलती नहीं है। मतलब सीट कवर्स तो भरे दोस्त ने लगा रखे हैं, और आप ये पूरा देख सकते हो इंटीरियर, रूफ भी एकदम साफ सुथरी क्लीन है, तो वापस लगाई भी लग रही नहीं, लेकिन गाड़ी है अपनी एक नंबर बढ़िया। टूल वूल भी एकदम बढ़िया, टेप भी दे रखा टोयोटा का, ये तो कैसेट वाला है, जो पुरानी कैसेट घुसती थी। और इसमें आपको एसी हीटर सब मिल जाता है, और ये ऑटोमेटिक है मेनली, ये ऑटोमेटिक है। और कैमरी का तो वैसे भी कोई जवाब होता नहीं है, मतलब वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़िया चलती है। अगर मेरी बात माने, अगर आपको कार खरीदनी हो यहाँ पे तो आप पहली प्रेफरेंस दें टोयोटा को, दूसरी प्रेफरेंस दें अगर आप लेना चाह रहे हैं तो माजदा भी बहुत अच्छी चल रही है आज की तारीख में, लेकिन एज़ कम्पेयर माजदा अच्छी यहाँ पे होंडा है। तो पहली प्रेफरेंस आप रखें टोयोटा, दूसरी रखें आप होंडा, और तीसरी आप माजदा रख लें, ठीक है, होंडा है नहीं होंडा, ठीक है। और अभी अपन कैमरे की छोटी सी ड्राइव लेने चलेंगे बाद में कि कैसे चलती है, लेकिन आपको फॉर क्विक दिखा दूँ, अगर अपन ये अभी चाबी डाल के ऑन करते हैं तो किलोमीटर क्यों नहीं आ रहे हैं, हाँ, तो आपको अगर दिख रहा हो इसमें तो बाइक की गाड़ी जो भी मेरी चल रखी है 2.5 लाख किलोमीटर के आसपास, तो 2.5 लाख किलोमीटर पे भी कोई इंजन लाइट या कोई भी नहीं है इसमें, एकदम बढ़िया चल रही है। सर्विस अगर आप टाइम टू टाइम कराओ तो एकदम बेहतरीन गाड़ी है। इसको बंद कर लेता, आवाज़ आ रही है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ड्राइव पे चलेंगे बाद में, फिर चला के मैं खुद देखूंगा गाड़ी कैसे चल रही है, क्या पिकअप है, वो आपको भी बताता हूँ। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आप मेरे हिसाब से आप जाएँ तो पहली प्रेफरेंस रखें आप टोयोटा, और टोयोटा में सबसे ज़्यादा बढ़िया गाड़ी जो यहाँ चलती है वो है कैमरी, जो ये है, मतलब सबसे ज़्यादा रिलायबल गाड़ी है। अगर आप टाइम टू टाइम इसकी सर्विस कराते रहो और सारी चीज़ें इंजन ऑयल और जो मेन चीज़ है वो चेंज कराते रहो, तो हर गाड़ी यहाँ पर बढ़िया चलती है। और आप यहाँ पर किलोमीटर्स पर जज ना करें टोयोटा को, क्योंकि टोयोटा यहाँ पर अगर आप सेकेंड हैंड लेते हो तो आपको वो 8-8 लाख किलोमीटर चली हुई भी मिलती है। आई एम नॉट किडिंग, रियली 8-8 लाख किलोमीटर चली हुई मिलती है और फिर भी बढ़िया चलेगी। तो इस गाड़ी का भी आप देख सकते हैं कि 1950s की है और 2.5 लाख किलोमीटर चल रखी है, अभी बढ़िया चल रही है, ठीक है। तो अगर आपको नॉर्मल बेसिस ऊबर ईट्स और इनके लिए कोई कार चाहिए तो आप ऐसी कार भी प्रेफर कर सकते हो, 2.5-3 लाख वाली भी, क्योंकि ऊबर ईट्स में आपका इतना कोई ज़्यादा यूसेज नहीं है कार चलाने का। इफ़ यू प्रीफर टू ड्राइव ऊबर एक्स द पैसेंजर वन, तो आपको कोई सी भी कार लेनी पड़ेगी 2012 मॉडल के अबव लेनी पड़ेगी। और द प्राइस रेंज ऑफ दिस की, अगर आप जितनी पुरानी गाड़ी लोगे और जितनी ज़्यादा किलोमीटर चली हुई लोगे तो उसका ऑब्वियसली प्राइस थोड़ा कम होगा,
लेकिन अगर आप टोयोटा पर आ जाए, टोयोटा की प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है सेकंड हैंड कारों की। जैसे ये मेरे दोस्त ने बाय करी है 1950 की भी, ये $2,500 में, 2500 × 50 कर लो कितना हो गया, लगभग 130 के आसपास या 140,000 के आसपास उसने ये कार खरीदी है। और खरीदे हुए भाई को बहुत टाइम हो चुका है, मतलब कम से कम भी उसको 6 से 7 महीने हो गए। एकदम बढ़िया चल रही है, एसी चल रहा है, हीटर चल रहा है, सब चल रहा है और ऑटोमेटिक है और खतरनाक भागती है। तो आप मतलब इस पे डाउट नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपना थोड़ा आगे चल के इसका इंजन चेक करते हैं कि खोल के कि बोनट में क्या सिस्टम है, मतलब आपको अंदर से दिखा दें कि सफाई वफाई है आगे नहीं है, गाड़ी में काम वाम कुछ मांग रही है या नहीं। अपन ने पहली बार ही खोल रहे हैं, कहाँ होता है इसका खोलने का स्विच। ओहो, तो ये आप कार के इसको देख के जज ना करें। वैसे अगर अपन इंजन देखते हो तो इंजन में 1950 के हिसाब से बहुत बढ़िया लग रहा है। भाई ने बस एक नई बैटरी लगाई है इसमें जो आपको दिख रही है, और बाकी इंजन अपना ये हाई हॉर्स पावर का मतलब अच्छा है। फोर सिलेंडर ही है, लेकिन फोर सिलेंडर में भी आपका इतना ज़्यादा बढ़िया खतरनाक चलेगा, मतलब नो डाउट। ये तो अपनी गाड़ी करी है, ये अपन इसका दिखा रहे हैं। मतलब इंजन जो इसका बिल्ड है बहुत बढ़िया है आगे से। और टोयोटा में एक चीज़ अच्छी है कि आपको ना अपन दूसरी कार में उठा के आपको यहाँ पे डंडे यहाँ पे लगाने पड़ते हैं इसको अटकाने के लिए। टोयोटा में ये चीज़ अच्छी है कि आप इसको खोल के बस रोक दो तो यहाँ पे वो एक कौन से प्रेशर वाले वो लगे हैं, ठीक है। तो ये आपने आगे से भी इंटीरियर देख लिया। तो अपन चलते हैं, हाथ हो गए काले, अपन चलते हैं हाथ धो के छोटी सी ड्राइव पे फटाफट और उसके हिसाब से। और मेन चीज़ और एक और अगर आप इसकी बूट स्पेस देखना चाहें तो कैमरी की बूट स्पेस ये कैमरे की बूट स्पेस है कि इतनी ज़्यादा कि मतलब दो इंसान लेट जाए इसमें, लेट जाए लिटरली लेट सकते हैं। मतलब बूट स्पेस आपको कैमरे में सारी कैमरे से बहुत अच्छी मिल जाएगी। मैं भी पहले प्रेफर कर ही रहा था कि कैमरे ले लूँ, लेकिन फिर अपन ने शिफ्ट करके फोर्ड पे आ गए क्योंकि कैमरे की प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप 2012-2013 के मॉडल पर जाते हो कैमरे के, तो वो आपको $14,000-$15,000 के नीचे नहीं मिलेगी, भले कितने भी किलोमीटर चली हुई हो। क्योंकि यहाँ पे टोयोटा पे लोग किलोमीटर्स नहीं देखते हैं, यहाँ पे केवल मॉडल देखते हैं कि टोयोटा बहुत बढ़िया चलती है। तो अपन को जाना है अभी कहीं शॉपिंग करने, शॉपिंग मतलब कपड़े लेते नहीं, खाने पीने की ग्रोसरी वोसरी। तो अपन ये कार लेके जाएंगे, ना कि अपनी वाली आगे खड़ी है वो लेकर जाएंगे, अपन ये लेके चलेंगे और उसको टेस्ट ड्राइव करते हैं कि भागती है नहीं भागती, और आपको भी दिखाते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। Tú solo dices que quieres más, que matemos la curiosidad, eso hacemos. तो अभी इसे इंस्टॉल किया है कि अपन आ गए गड्डी च, और गड्डी को लेके चलते हैं अपन टेस्ट ड्राइव पे। पहले अपन लगा लें सीट बेल्ट अपन लगा लिए। गाड़ी बड़ी प्यार स्मूथली स्टार्ट हुई है, और अपन इसको टेस्ट ड्राइव पे लेके चल के देखते हैं कि क्या ये रैली काबिल है या नहीं। मतलब वैसे तो ये गाड़ी 1950s की केवल एक टायर और एक इंजन बेचती है, तो मेरे दोस्त ने थोड़ा अपग्रेड कर लिया, मतलब थोड़ा इंटीरियर विंटीरियर के साथ छत वत देख रहे थोड़ा सही कर लिए, और जितना भी इंटीरियर देख रहे हो ये थोड़ा उसने सही कराया है। मतलब टूटा फूटा आया था पहले का इंटीरियर, तो इसने ये सेकेंड हैंड लेके और थोड़ा सही करा लिया। तो अपन चलते हैं इसको ड्राइव पे लेके। एंड अभी अपने पास वो गोप्रो का होल्डर नहीं जिसको अपन वहाँ कोने में चिपका सके, क्योंकि वो अपने पुराने वाली कार में। अच्छा हाँ, मैं पुराने वाली कार से गोप्रो का होल्डर लिया था और उसको कोने में लगा देता हूँ उधर, क्योंकि अगर अपन इसमें करेंगे व्लॉग तो अपन को शायद में भी थोड़ी दिक्कत आए, क्योंकि मैं किस हाथ से पकड़ूंगा और किस हाथ से ब्लॉक करूंगा। तो अपन उस कार से ले आते हैं होल्डर और कोने में चिपका देते हैं, ठीक है। तो आप इंतजार करिए और अपन उस वाले एंगल पर चलते हैं। तो उस वाले एंगल पर चलने के लिए तो अपन आ गए इस वाले एंगल पे, और अपन ने लाइसेंस वाइसेंस रख लिया। अपन अब टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं कि क्या ये रैली उस काबिल है जिस काबिल लोग इसको बोलते आ रहे हैं, नहीं तो बाकी अपन अपने रिव्यूज़ आपको देंगे थोड़ी देर में। वैसे ऑटोमेटिक गाड़ी अगर आप मेरी प्रेफरेंस लो तो यहाँ पर अगर आपको गाड़ी लेनी हो तो आप प्रेफर करें ओनली एंड ओनली ऑटोमेटिक, क्योंकि ऑटोमेटिक में ये सिस्टम बढ़िया है कि आपको यहाँ पे गियर्स लगाने में पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जितने भी सारे एरियाज़ है वो हिली एरियाज़ है, तो हिली एरियाज़ में आपको बहुत ज़्यादा गियर चेंज करने पड़ेंगे। तो आप मेरी बात माने तो आप एक प्रेफर करें गाड़ी लेना यहाँ पे कार, तो आप ऑटोमेटिक ही लें। तो अपन ने मास्क वास्क पहना है नहीं, अपन बस ऐसे ही बाहर निकल गए हैं। तो जैसे कि मेरे हिसाब से जो रिव्यू आ रहा है वो है कि गड्डी तो बढ़िया चल रही है। अरे अरे अरे,
मतलब जो पिकअप आना चाहिए गाड़ी का वो पिकअप है इस गाड़ी में, और अभी फिलहाल अपन 60 की जोन में तो अपन ज़्यादा भगा सकते नहीं है, तो अपन धीरे धीरे चला के टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं। पहले से मेरे मतलब जो पहले से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते होंगे कि मेरे पास जो पहले वाली जो वाइट कार वाइट जो पोलो थी उसकी वोल्सवैगन की, वो मेरी मैनुअल थी, तो उसमें मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत आती थी कि मतलब आप गियर इतने ज़्यादा आपको चेंज करने थे, मैं इरिटेट हो गया था कभी कभार कि यार अभी इतना दूर जाना है, मतलब अगर 120 किलोमीटर का जाना तो मैं इरिटेट हो जाता था कि यार 120 किलोमीटर जाना कैसे ड्राइव कर पाऊंगा मैं इतनी दूर कार को, क्योंकि मेरी गाड़ी मैनुअल थी। ये देखो जैसे अभी मैं जा रहा हूँ ये हिल एरिया आ गया, अब ऑटोमेटिक में आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपना एक डी मोड पे लगाना और आपको दबा के चलानी है, तो आप मेरी माने तो आप एक ऑटोमेटिक ही प्रेफर कर सकते हैं, बाकी इट्स अप टू यू। और इस गाड़ी का अगर रिव्यू दे रहे तो 1950 के हिसाब से गाड़ी इतनी बुरी नहीं है और इतनी ज़्यादा बढ़िया चल रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये देखो ये मैंने फुल रेंज दे दी है, ओहो तो ये अपन ना भी 60 के जोन थोड़ा 80 में ले ली क्योंकि था नहीं खाली रोड थी, लेकिन जो पिकअप आया है मतलब लिटरली बता रहा हूँ मेरे फोर्ड के कंपेटेबल भी है, मतलब फोर्ड के कंपेयर करो फोर्ड से तो उसके हिसाब से भी बहुत बढ़िया है जो पिकअप आ रहा है 1950s का। अगर आप इंडिया में कोई 1950s कार लेके उसका आप थ्रेश होल्ड देखो या कुछ भी देखो तो बहुत ज़्यादा कम होता है, आप कंपेयर कर नहीं सकते। और मेरे को इस गाड़ी में एक चीज़ सबसे बढ़िया लगी कि जहाँ मैंने अभी GoPro लगाया ना, ये जो आगे डैशबोर्ड है ये एकदम फ्लैट है, तो फ्लैट में GoPro चिट जाता है, जो मेरी फोर्ड है उसमें थोड़ा ऐसा स्लोप टाइप का है तो उसमें टिकता ही नहीं, जैसे लास्ट ब्लॉक में गिर गया था। गाड़ी तो चल रही है एक नंबर, अगर इस गाड़ी को अगर कोई लेना चाहे मतलब एक नॉर्मल ऊबर ईट्स या फिर किसी नॉर्मल घूमने के यूज़ पे तो बहुत बढ़िया गाड़ी है, अगर 2500 में आप देखें तो। वैसे तो थोड़ी और सस्ती भी मिल जाएगी, जितना पुराने वेरियंट पर जाओगे 1950 से भी थोड़ा पहले जाओगे तो आपको शायद वो और थोड़ी सस्ती मिल जाए, मैं कह नहीं सकता, लेकिन 2500 में 130 या 140,000 में और क्या चाहिए आपको, गाड़ी वर्थ इट है यार, अब वो भी टोयोटा की मिल रही है आपको, आपको बस टाइम टू टाइम सर्विस करानी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं कराना। ये अपन केवल एक चक्कर मारना है, छोटू सा चक्कर अपने घर से, और रिस्क पा है कि अपने पास परमिट नहीं है और अभी भी लॉकडाउन तो चल ही रहा है, आज आज और है, और लॉकडाउन में आपको पता ही है बिना परमिट के घूमोगे तो $1600 का चलान है। वैसे अभी रास्ते में हंगरी जैसा खा रहा है और मैंने सुबह सच्ची में लिटरली कुछ खाया नहीं है, तो मेरा मन तो कर रहा है कि रास्ते जाते हुए मील ले लूं, लेकिन फिर अपना जो गेनिंग का प्रोसेस चल रहा है वो थोड़ा हिल मिल जाएगा, मतलब अपन घर चलते हुए बढ़िया सा शेक बनाते हैं अपना वेट गेनिंग वाला, इंस्टेड ऑफ की टेकिंग एक चिकन बर्गर फ्राइज और कोक, ठीक है। और अभी मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है, अभी बज रही है 4:15 और आज मंडे, आज अपन को कहीं भी कोई काम पे जाना नहीं है और अपन अभी चल रहे सीधा घर। और नेक्स्ट व्लॉग मैं सोच रहा हूँ उस पर बनाऊँ, क्योंकि जो आप यहाँ पे जो आप सब्जियाँ खरीदते हो वेजिटेबल्स उनकी प्राइस क्या है, ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा ही महंगी है, सुनने में आया है सबसे ज़्यादा महंगे टमाटर ही हैं, तो अपन टमाटर पे मतलब केवल टमाटर पे नहीं, अपन कितने क्या वेरिएंट है कितने सब्जी आती है उस पर एक ब्लॉग बनाएंगे अगला वाला, ठीक है। अगर आज जा पाए तो आज बना देंगे, अगर आज नहीं जा पाए तो कल मेक श्योर करेंगे कल बना देंगे, लेकिन अपन आप कोशिश करेंगे कंसिस्टेंट ब्लॉग डालते रहें, मतलब ज़्यादा गैप नहीं है, कुछ भी डालेंगे लेकिन अपन डालेंगे, आप लोग साथ बने रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि अपन एक महीने में एक ब्लॉग डाल रहे हैं, कोशिश करेंगे हफ्ते में दो डाल सके, नहीं तो एक तो आएगा ही आएगा एवरी सैटरडे, मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जिस टॉपिक का अपन ने वीडियो बनाया वो टॉपिक के अगर आप कंपैरिजन देखो तो मेरे हिसाब से अगर आपको ऊबर ईट्स तक करनी है, अगर आप इंडिया से आ रहे हो आपको ऊबर ईट्स से करनी है तो आप कोई सी पुरानी गाड़ी ले सकते हो, डजेंट मैटर, लेकिन आप मेरे हिसाब से प्रेफर करें तो टोयोटा इज़ दी बेस्ट अगर आप लेना चाहें तो, सेकेंड प्रायोरिटी अगर आप देना चाहें तो आप वो होंडा को दे सकते हैं, और थर्ड प्रायोरिटी आप माजदा को दे सकते हैं, माजदा भी आजकल मतलब बहुत अच्छी है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये टोयोटा कैमरी का 1950s का रिव्यू अपन ने कर दिया, अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब एक नॉर्मल इंसान को अगर घर पे गाड़ी चाहिए तो उसके हिसाब से बहुत बढ़िया, अगर आप ये लुक्स मैटर नहीं करते तो अगर आप जितनी पुरानी लेंगे टोयोटा की वो भी बेटर है, बस चली भी ज़्यादा ना लें, मतलब आप 1.5-2 लाख तक फिर भी ठीक है, 2.25 लाख तक भी ठीक है अगर आप लेना चाहते हो, ज़्यादा पुरानी ना लें, ठीक है। तो अपन ने वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मेक श्योर अगर आप चैनल बनाए तो यू सब्सक्राइब इट शेयर इट एंड लाइक इट, अपन को आप फटाफट सब्सक्राइबर्स बना रहे हैं, अपन भी 10K 15K पे चलते हैं, थोड़ा यार ऊपर लेवल करते हैं अपन भी, कहाँ नीचे बैठे हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ठोक के जरूर जावें, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं अपन अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर, सी यू सून द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट रब राखा। Será lo que será, ella.